हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्रामाइट समीर, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी मास्टरपीस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें दिखाया गया है एलियंस के बारे में कि आज भी ब्रह्मांड के किसी ना किसी ग्रह पर एलियन जरूर होंगे, वो हमें ढूंढ रहे होंगे और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही इस मूवी में होता है। एक साइंटिस्ट के द्वारा एलियंस को मैसेज भेजा जाता है और वो धरती पर आ जाता है। तब तक उस साइंटिस्ट की मौत हो जाती है और उसके बच्चे का जन्म होता है। बाद में वो एलियन और उसके बच्चे में जो दोस्ती होती है वो बहुत ही शानदार तरीके से हमें इस मूवी में दिखाई गई है। फ्रेंड्स, जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और 2003 की ये मूवी सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली मूवी बनी थी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 8 अगस्त 2003 को रिलीज हुई ऋतिक रोशन की ब्लॉकबस्टर मूवी कोई मिल गया के मेकिंग बिहाइंड द सीन और कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आप भी ऐसे ही अमेजिंग बिहाइंड द सीन वीडियो देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आप इस बिहाइंड द सीन वीडियो में देख सकते हो कि किस प्रकार से कोई मिल गया मूवी की शूटिंग कैसे की गई है। फ्रेंड्स, इस मूवी की शूटिंग मोस्टली रियल लोकेशन पर ही की गई है, बस कुछ सीन में ही VFX और CGI टेक्नोलॉजी का यूज लिया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के मोस्टली सीन की शूटिंग कसौली, नैनीताल और कैनेडा में ही इस मूवी के मोस्टली सीन की शूटिंग की गई है। फ्रेंड्स, इस मूवी में नजर आए एलियन जादू का कैरेक्टर निभाया था इंद्रवदन पुरोहित ने और इंद्रवदन पुरोहित की हाइट मात्र 3 फीट थी और इसी वजह से उन्हें इस रोल के लिए सेलेक्ट भी किया गया था। और इंद्रवदन पुरोहित को एलियन की तरह दिखाने के लिए उन्हें एक ऑटोमेटिक कंट्रोल फेस मास्क पहनाया गया था जिससे वह एक रियल एलियन लग सके। और इस मास्क को पहनने के बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, सारी शूटिंग मात्र इंटरेक्शन पर ही की जाती थी। फ्रेंड्स, इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के दो अलग अलग कैरेक्टर दिखाए गए हैं। एक कैरेक्टर में वो हमें अबनॉर्मल दिखाई देते हैं तो दूसरे कैरेक्टर में वो हमें सुपर हीरो की तरह दिखाई देते हैं। तो मूवी में अबनॉर्मल वाले कैरेक्टर को बनाने के लिए ऋतिक रोशन को अपना बहुत कम वेट करना पड़ रहा था और वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। वो इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसी समय वो और मूवीज की भी शूटिंग कर रहे थे। तो अबनॉर्मल वाले कैरेक्टर को बनाने के लिए उनके कपड़ों की अलग से डिजाइनिंग की गई थी और उनको ढीले कपड़े पहनाए गए थे जिससे उनकी रियल बॉडी नहीं दिख सके और उनके हेयर स्टाइल और चश्मे के लुक को भी अलग अलग तरीके से टेस्ट किया गया था और फाइनल लुक को सेलेक्ट किया गया था जिससे वो एक अबनॉर्मल वाले व्यक्ति की तरह दिखाई दे सके। मूवी में ये सीन तब आता है जब रोहित और उसके दोस्त सोनिया को पागल बनाकर सिनेमा घर ले जाते हैं। तो आप उस सीन की लोकेशन देख सकते हो, ये यहां पर ही शूट किया गया है जिसे कैपिटल सिनेमा के नाम से जाना जाता है और नैनीताल लेक पर ही इस मूवी के और भी सीन की शूटिंग की गई है जो आप इन स्क्रीनशॉट वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब बात करें इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का बजट था लगभग 35 करोड़ रुपए और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 82 करोड़ रुपए और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 की। आपने फ्रेंड्स ये मूवी अभी तक देखी या नहीं, हमें कमेंट करके बताएं और आपको ये मूवी कैसी क्या लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।